ये है पेशवे नाना फडणवीस इनका वाड़ा। हम आए मेनौली जो कि वाई से सिर्फ 5 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हैं पुणे बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर और अब हम जा रहे हैं वाई, जिसे दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पूना से 80 किलोमीटर और सातारा से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हमारे शिवापुर टोल प्लाजा पूना से सातारा हाईवे के ऊपर शिरवल गांव से 3 किलोमीटर आगे एक पुरानी पानपुरी आप देख सकते हैं। आपको दिख रही है वो नीरा नदी है, ये खंबट की घाट। साईं बाबा का स्टैचू है और उसके बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी है। जब आप खंबट की घाट से नीचे आओगे तो फर्स्ट विलेज है वेड़े, जहाँ पे गांव के दोनों तरफा आपको होटल्स दिखेंगे। अब हम चाय लेंगे विशाल होटल में, जहाँ पे बेहतरीन चाय मिलती है। अब हम निकल रहे हैं वाई के रास्ते पे। रास्ते में हेवी रेन है, इसे सुरूर गांव तरफ जा रहे हैं, जो कि खंबट की घाट उतरने के बाद में सेकंड नंबर का विलेज आता है। वहाँ से हमें वाई के लिए राइट लेना है। सुरूर से वाई 12 किलोमीटर है, आगे से हम राइट लेंगे। ये सुरूर महाबलेश्वर रोड है। रास्ते में आपको न्यू इंडिया गैरेज एंड टोइंग सर्विस सेंटर है, वहां से हमें सीधा वाई के लिए जाना है। ये पवन होटल, यहाँ पे वाई जाते समय आप रुक सकते हैं। अब हम मेनौली गांव में आए हैं, जहाँ पे पेशवे नाना फडणवीस यहाँ पे वाड़ा है। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड, यहाँ से लेफ्ट जाना है नाना फडणवीस वाड़ा। ये है पेशवे नाना फडणवीस इनका वाड़ा। हम आए मेनौली जो कि वाई से सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये प्रवेश द्वार है जो कृष्णा नदी के नाना फडणवीस इनका वाड़ा है। Thank you.
नाना फडणवीस वाड़ा एक बड़ी हवेली है जिसका निर्माण 1780 में संपन्न हुआ था। इस हवेली के अंदर एक आंतरिक आंगन भी है जो कि कृष्णा घाट जो आप देख सकते हैं उससे जुड़ा हुआ है। उदाहरण है जिसमें मुख्य संरचना के साथ एक घाट और एक मंदिर आप देख सकते हैं। इस घाट और एक मंदिर है, इस हवेली में दो मंदिर है, एक भगवान विष्णु को समर्पित तो दूसरा भगवान शिव को समर्पित है। फडणवीसवाड़ा क्षेत्र में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक इमारत है। इसे मैनवली घाट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदी मूवीज का फिल्म शूट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बड़ी घंटा दिख रही है जो चिमाजी अप्पा इन्होंने वसई की लड़ाई में ये जीत का प्रतीक है और वहां से यहाँ लाके उसे लटकाया है। करीबन 250 kg इसका वेट है, आप देख सकते हैं। ऊपर मंदिर में से जो पानी आ रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ से इस रिवर में छोड़ा गया है। महाबलेश्वर वहाँ से नीचे आइए धोम डैम, इसके ऊपर धोम डैम बांधा गया है और यही नदी आगे वाई में चली जाएंगी। वाई ये ऐसा शहर है जिसे पहले काशी नाम से संबोधा जाता था, यहाँ के प्रॉपर लोग उसे दक्षिण काशी ही कहते हैं। और नदी के तट पर 100 से ज़्यादा टेंपल है और ये मैनोली में पेशवे नाना फडणवीस इन्होंने ये राजवाड़ा बांधा है 1780 में। आप देख सकते हैं ये राजवाड़े की जो दीवार है अभी तक जैसी की वैसी है। पूरा इसका स्ट्रक्चर पत्थरों में बनाया गया है। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप यहाँ पे भी विजिट दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे
तो अंदर जाकर जरूर देख सकती हो। तो हम आए धूम डैम के किनारे पे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।